हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू असैसिन्स क्रीड रूक। तो लास्ट एपिसोड में एक कपल था, हम यहाँ न्यूयॉर्क में आ गए थे। अपने एक्सीडेंट के बाद हमने क्रीड को पिटरे कर दिया था अच्छे रीजंस की वजह से, और उसके बाद हम यहाँ न्यूयॉर्क में आ गए थे। किसी कपल ने हमारी जान बचाई और फिर हमने उनकी मदद करी, और फिर उन कपल के थ्रू हमें मिला एक बंदा जिसका नाम है जॉर्ज। उसने थोड़ा सा हमें असिस्ट किया और उसके थ्रू मिले क्रिस्टोफर से, जिसकी हमने जान बचाई थी लास्ट एपिसोड में। अगर तुमने लास्ट एपिसोड नहीं देखा तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा, पहले लास्ट एपिसोड देखो, तब तुम्हें स्टोरी समझ में आएगी क्या पूरा तबाही या तहलका मचा हुआ है यहाँ पे। तो हम ऐसी क्रिस्टोफर को हमने जान बचाई, फिर हमें पता चला हमारी शिप, हमारी यहाँ पे जो शिप थी मॉर्गन, वो यहाँ पर थी। हमने अपनी शिप को रिट्रीव किया क्रिस्टोफर की हेल्प से, एंड उसके बाद जाकर क्रिस्टोफर ने हमें सजेस्ट किया कि हम जॉर्ज को जाके मिले। तो ये सीन है पूरा, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैंने लास्ट एपिसोड में कहा था कि मैं यहाँ पे जितने भी कलेक्टेबल्स थे वो कलेक्ट करूँगा, और वो मैंने किया। जैसे कि तुम देख सकते हो, जितनी भी चेस्ट थी, जितने भी एक्स्ट्रा आइटम्स थे, वो सब कलेक्ट किए इनको छोड़ के। तो ये और ये, इसका रीज़न मैं बताता हूँ यार। एनिमल्स फ्रैगमेंट कलेक्ट करने का इतना कोई फायदा नहीं है, बस एक अचीवमेंट मिल जाएगी मेरे को या फिर एक चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा, कुछ फायदा नहीं है इसको मतलब कलेक्ट करने का। तो इसलिए मैंने इसको भी इसको कलेक्ट नहीं किया। दूसरा ये था शैंटी करके, ये सॉन्ग फाइल होती है जो फ्लाई करती है अगर मैं क्लोज जाता हूँ तो, इसको भी कलेक्ट करने कोई फायदा नहीं है। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है जब हम अपनी शिप को सेल करते हैं ना, तो हमारे क्रू मैन ना कुछ गाना गुनगुनाते हैं। अगर मैं ये कलेक्ट कर लूंगा ना, तो वो कोई नया सॉन्ग गुनगुनाएंगे, आई थिंक ऐसा कुछ सीन है। तो ये इनको भी कलेक्ट करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये दो चीज़ों को मैंने कलेक्ट नहीं किया, क्योंकि मेरा बहुत टाइम कंज्यूम हो रहा था इस वजह से। क्योंकि तुम देख सकते हो, मैंने हर न्यूयॉर्क के हर पार्ट में मैंने सारे ट्रेजर चेस्ट जो भी दूसरे कलेक्टेबल्स थे वो कलेक्ट किए, जिनके मुझे पता था इनके बदले मेरे को रिवॉर्ड मिलेगा, राइट। तो मैंने उन्हीं को कलेक्ट किया, इसलिए मैंने शैंटी और एनिमस को छोड़ दिया। और एक और ये भी चीज़ है, रेनोवेशन। यार ये रेनोवेशन हम अभी हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जो रेनोवेशन मैंने छोड़े हुए हैं ना, इसमें लकड़ियाँ मांग रहा था और मेरे पास खाली 10 लकड़ियाँ पड़ी हैं, ऐसे इसमें दिखा रहा है, राइट। ये प्रॉब्लम है। तो हमें दोबारा, हम आई थिंक अगर हमें ये रेनोवेशन करवाना है तो हमें बाद में आना पड़ेगा, पता नहीं हम बाद में आएंगे भी कि नहीं आएंगे। तो ये सीन है पूरा, ठीक है। क्योंकि शिप, जब हम शिप सेल करेंगे, दूसरे शिप से लड़ेंगे, तब जाके हम हमें उनसे ना लकड़ी मिलती है, वुड मिलता है, जिससे हम ये रिनोवेशन करवा सकते हैं। तो ये हमारा, ये भी हमारा पेंडिंग रह गया ऐसे जैसे, बाकी सब मैं कर चुका हूँ। तो ये थी बात पूरी कलेक्टिबल्स और जो भी रह गया, ठीक है। अब तुम यार मेरा मिनी मैप के बगल में पैसे देखो भाई, तुम कितने हैं, 54,024 है भाई मेरे पास। मतलब जितनी भी ट्रेजर चेस्ट थी और जितने भी मिशन वगैरह थे वो सब किए, उनके बदले मेरे को अच्छा खासा पैसा मिल गया भाई। तो ये बहुत बढ़िया हो गया। और हाँ, क्रिस्टोफर अब हमारा नया वो बन गया है, क्या कहते हैं इनको, वाइस कैप्टन कह सकते हो तुम, काइंड ऑफ, या फर्स्ट मेट या ऐसे कुछ कहते हैं। ये वो बन चुका है हमारा, इसलिए बेसिकली लियम को रिप्लेस कर दिया है। तो हमें जाना है रिवर वैली, यस। तो जो बंदा था जॉर्ज, हमें उससे मिलने जाना है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है यार वो पक्का टेम्पलार है, और उसके थ्रू हम टेम्पलार से मिलेंगे, मेरे को ऐसा लग रहा है पूरा। अभी देखते हैं क्या सीन बनता है। यहाँ पे तो मैंने कर दिया पूरा जितना कुछ करना था, तो निकल रहे हैं यहाँ से अभी हम। यार ये देखो यार, ये रहा, वुड क्लॉथ एंड मेटल आर यूज टू अपग्रेड योर शिप्स। ये सब हमें वही वहाँ पे मिलेगा, शिप सेल करते हुए दूसरे शिप से फाइट करके मिलेगा ये। तो ये वो, इस वजह से हमारा वो रेनोवेशन अटक गया है न्यूयॉर्क में। The colonel waits in Albany. I wonder what he has in mind for us to do next. Us? I thought you just wanted to check in with Monroe, not sign me up for the army. Not at all, Shay. But I admire the colonel's ideas and want to make them happen. What kind of ideas? Secure borders, prosperous farms, fair trade. We need those in these wretched colonies. Sounds like a high-minded utopia. न्यूयॉर्क में
चलो मैं बाद में कलेक्ट कर लूंगा। In good health, I see. Thanks to the captain here. It's a fine vessel, Captain Cormac. Thank you, Colonel Monroe. Master Gist, did you learn more about our conspirators and their new weapons? Well, only that their base of operations is a French fort further downriver. It's a little close for comfort, isn't it? If the French have installed a fort in our territory, they are likely preparing an assault. New York could burn. Will you join us, Master Cormac? Aye. Enough innocents have died already. Might I suggest we improve our vessel? The Morrigan is good, but with a few more supplies, she could be unstoppable. And there's a French outpost nearby, I happen to know. I like the sound of that. ये पहले नहीं था भाई, ये अब आके कब आया है यहाँ पे? कर ले यार इसको, मतलब यार बार बार कौन आएगा यहाँ पे? हमारा मिशन यहाँ पर है, नई लोकेशन पे भेज रहे, वेले वॉट है। यहाँ पर भी कुछ चेस्ट वगैरह है, ले लेंगे यार। फास्ट ट्रैवल कर सकते हैं क्या? नहीं, इस लोकेशन में हम जा नहीं, पहली बार जा रहे हैं, वहां पे नहीं कर सकते यार। ये कर ही लेता हूँ क्योंकि ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। और ये पहले नहीं था जब मैं यहाँ पे आया था अल्बानी में, आई थिंक एपिसोड 3 या 4 में मैं आया था यहाँ पे, तब ये नहीं था। ये बार नहीं अनलॉक हुआ नहीं, फोर्ट वाला जो भी है, जाके कर ही लेते हैं। मैं सोच रहा हूँ अपने वेपन्स भी अपग्रेड कर लूँ कि मैं जब ऑफलाइन खेल रहा था न्यूयॉर्क में, कलेक्टेबल्स कलेक्ट करता था, तो भाई बहुत बार फाइट हुई थी और मैं बहुत बार, मेरे को उसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई उन फाइट्स में, बिकॉज मेरे वेपन्स इतने अच्छे नहीं। आई मीन हिडन ब्लेड को तो मैं अपग्रेड नहीं कर सकते, ऑब्वियसली वो हमारा सिग्नेचर वेपन है तो उसको तो हम छेड़ नहीं सकते। अरे ब्रिज से चलते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रास्ता भी नहीं खुल रहा। दूसरा ब्लेड, दूसरा स्वॉर्ड लेने के लिए सोच रहा हूँ, लेकिन एक ट्विस्ट है इसमें, एक चीज़ दिखाता हूँ, मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, 6 अपग्रेड्स में होगा। हाँ, स्वॉर्ड्स एंड डाइवर्स, तो यहाँ पे जितने भी अवेलेबल स्वॉर्ड्स हैं ना वो दिखा रहा है कि अभी हम कौन से स्वॉर्ड स्टोर से खरीद सकते हैं बेसिकली। तो ये सारी जो स्वॉर्ड है ये हम सब खरीद सकते हैं और मेरे पास पैसे भी काफ़ी है, हम आराम से खरीद सकते हैं। पर गेम हमें ऑफर कर रही है एक स्वॉर्ड, ठीक है, उसका नाम है वाइकिंग स्वॉर्ड, उसके फ्रैगमेंट्स भी मैंने कलेक्ट किए थे, तो मैं आई थिंक दूसरे तीसरे एपिसोड में दिख जाएगा एक फ्रैगमेंट वाइकिंग स्वॉर्ड का पड़ा रहता है, जिससे हमें वाइकिंग स्वॉर्ड का वो मिल जाएगा, स्वॉर्ड मिलेगी, उसकी लोकेशन मिल जाएगी बेसिकली। ये है वो स्वॉर्ड है आई थिंक, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, अनलॉक बाय कंप्लीटिंग द वाइकिंग स्वॉर्ड क्वेस्ट, ये है। तो मेरे को वाइकिंग स्वॉर्ड, मतलब अपने आप में कोई फ्री स्वॉर्ड मिल जाएगा यार, मेरे को खरीदना नहीं पड़ेगा, तो इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ कि मेरे को सारे फ्रैगमेंट मिल जाएं तो मैं स्वॉर्ड खरीद लूँ। और ये है भी अच्छी, इसकी स्पीड अच्छी है, कॉम्बो और डैमेज भी ठीक ही है, और बाकी जो और भी अच्छी स्वॉर्ड है, लेकिन ये अभी ना लॉक्ड है बेसिकली, ये जब मैं गेम में फर्दर प्रोग्रेस करूँगा तब जाके अनलॉक होगी, तब तो हमारे पास बहुत टाइम है तभी के लिए। और भी स्वॉर्ड्स थे यहाँ पे, दिखा नहीं रहा, स्टोर में ज़्यादा स्वॉर्ड्स दिखा रहा था। हाँ, ये एक मैं पिस्टल खरीद सकता हूँ, पिस्टल खरीदने का सोच रहा हूँ, क्योंकि अभी मैक्स बेस्ट पिस्टल हमें ये मिल रही है, क्वीन एनी पिस्टल, इसका डैमेज भी मेरे प्रीवियस वाले से 2 गुना ज़्यादा अच्छा है और स्टन भी अच्छा है इसका, मैं ये लेने की सोच रहा हूँ।
हैं ऊपर स्नाइपर जस्ट इसके ऊपर है, उसने देखा नहीं। और चीज यहाँ पे स्टॉकर छुपे हुए हैं, ये तुम्हें विस्पर की साउंड आ रही है, ये उन्हीं स्टॉकर्स की है जो छुपे हुए रहते हैं। लास्ट एपिसोड में तुम्हें रिकमेंड करूंगा देखो भाई, अगर तुम लास्ट एपिसोड नहीं देखा होगा तो तुम बहुत कुछ मिस कर दोगे इसमें। ये देखो वहां पर छुपा हुआ भाई वो बंदा, वो रहा वो कैप्टन वहां पर, आई थिंक वो इस घास में छुपा हुआ है। हाँ ये देखो ये स्टॉकर है, जैसे मैं इसके पास जाऊंगा पास से निकलेगा। इन्होंने मेरे को लास्ट गेम बहुत परेशान किया था और... जब मैं कलेक्टिबल्स वगैरह कलेक्ट कर रहा था and kill the gang leader. Rescue the British. अच्छा वो officer है, तो rescue करना है। ये तो easy था। I shall be forever grateful to you, sir. उधर कुछ ग्रीन कलर का दिखा रहा है क्या? अच्छा वो मेरा मेन मिशन का वो दिखा रहा है, सेव टू फ्रेंच आउटपोस्ट। स्नाइपर है वहाँ पे। वो ले ले। अरे यहाँ पे छुपा हुआ था ये। ओ भाई बच गए। जागने वाला है वो भाई, बड़ी जल्दी जाग गया यार। मार क्यों नहीं रहा? यदि कभी कभार ना ग्लिच हो जाता है, देखो ऐसे ये मर ही नहीं रहा, तुम बटन दबाओ। अरे भाई बॉडी क्यों उठा रहा है उसकी, पूछना है मेरे को यहाँ से। अब गैंग लीडर को लोकेट करना है, गैंग लीडर को मारना बहुत मुश्किल रहता है क्योंकि एक बार वो डिटेक्ट कर लेता है ना तो फिर वो स्मोक करके भाग जाता है। ओ शेट, ये देखो ये देखो ये वो गैंग है। ये बोल रहा था मैं, उसने हमें देख लिया, गोली मारी, स्मोक की और भाग गया। ना ये कुछ नया खुला है, ये सब बाद में क्यों खुल रहे हैं यार? सप्लाई कैंप, यहाँ से हमें मिलेगी वुड। ओ यार ये तो हमें चाहिए रेनोवेशन वगैरह के लिए। रेनोवेशन क्या, शिप को अपग्रेड करने के लिए भी आइटम चाहिए होते हैं, लकड़ी वगैरह।
भाई इन्होंने गेम में बहुत कुछ डाल रखा है और ये प्रॉब्लम है पता है, क्योंकि हर एक चीज कलेक्ट करते हुए रहोगे ना तो फिर इस चक्कर में मैंने ये एनिमस और वो शैंटी फ्रैगमेंट छोड़ दिया क्योंकि उसके बदले को रिवॉर्ड नहीं मिल रहा था पास। ओह बैंक मिल गया मेरा। हाँ ये पैसे रिट्रीव कर लिए मैंने अपने, ये था एंटी वर्क। टाइम बहुत वेस्ट कर लिया मैंने करते हैं ये काम करते स्टोर जाके पिस्टल ले लेते हैं। इधर भी खुल गया रेनोवेशन का। ये डेवलपर्स ने गेम्स इस तरीके से डिजाइन करी ना कि तुम्हें सेम लोकेशन में बार बार आना पड़ेगा अगर तुम्हें पूरा कंप्लीट करनी है गेम को, मतलब रेनोवेशन हो गया, एनिमस फ्रैगमेंट हो गया या फिर ये फोर्ट वगैरह हो गया, ये हमेशा बाद में खुलते हैं। I want to buy some... Welcome! Do come in! What, pray, is the nature of your pursuit? Sword and dagger, huh? Ah, ye nahi tha shayad. Ye ab isme dikha raha hai. Mera man bahut kar raha hai ki main sword le lu lekin... यार मैं यही स्वॉर्ड चलाऊंगा क्योंकि मैं अपना टाइम बहुत टाइम वेस्ट करके वो वाइकिंग स्वॉर्ड के फ्रैगमेंट उठा रहा हूँ मैं, तो मैं यही स्वॉर्ड चलाऊंगा जब मेरा पूरा फ्रैगमेंट मैं कलेक्ट कर लूंगा और मैं कोई दूसरी स्वॉर्ड नहीं चलाने वाला ऑनेस्टली। पर वो अलग बात है कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हो गए तब फिर मैं ले लूंगा कोई नई स्वॉर्ड ज्यादा अच्छी जिसका डैमेज ज्यादा अच्छा हो। Tell you things have been tense since the Jumon come back. What do you be needing today then? ये देखो मेरे पास आइटम्स की कमी है बहुत ज्यादा। मोर्टार ये तो कभी नहीं खुलेगा। हमें वो सप्लाई अगर हमें शिप वगैरह और रेनोवेशन वगैरह करवाने ना तो हमें वो सप्लाई क्या था वो सप्लाई कैंप जो भी था उसको हंट करना पड़ेगा रिसोर्सेस के लिए। What sort of business are the French up to there? Just occupying the territory? It is an economic incursion more than a geographical one. Some of the ruffians are sponsored by enemies of the colonists. They intend to undermine local authorities. I've heard they steal from civilians and resell essential goods for 10 times the price. Floating cargo for the taking, sir. Tell us the little fella who gets skinned. Colonel, you and Gist here seem inspired. Is there something in the water or in the whiskey? Why do you say that? I think Shay here is skeptical about our intentions towards our fellow man. I understand, but there is no need. I simply want these colonies to be free to take in the money. I thought rich men wanted them to be a place of profit. I am not a rich man, Master Cormac. Money is a means to an end. Not an end in and of itself. In name and in nature, says you. I think it's a fine end to a game of cards. Flotsam, sir. Could be valuable cargo. Don't fall but mates! I don't like that wind, sir! It should be nearby, Captain. Get them aloft! Don't sort say! Geneva on Nubella, France. पता नहीं मैंने pronounce ही गलत किया है।
सेल टू फ्रेंड्स ओ मैन यार तो वही सोचो ये फुल पाया नहीं मैं आप आ गए चेस तो छोड़ना नहीं है भाई कुछ भी हो जाए चाहे कोई यहाँ पे गोलियां ही मैं चला रहा हूँ चेस तो छोड़ना ही नहीं है सिंगल नाइस भी कर लेते हैं थोड़ा एरिया क्लियर हो जाएगा चढ़ जाए यार ये तोप यूज नहीं कर सकता क्या मैं ये तोप यूज करके उड़ा देता हूँ सबको Oh, civilians and... अच्छा बात ये कि वो तीनों डिस्ट्रैक्टेड हैं मैं आराम से बेल अलार्म बेल को डिसेबल कर सकता हूँ उससे कुछ भी अलर्ट नहीं होगा फिर ये चीज़ बढ़िया है बच गए ये ट्रिगर कर देता भी बेल को बहुत बड़ा ब्लेंडर था भाई ये parce qu'il peut nous tomber dessus. Allez, maniez-vous un peu. Je sais que vous avez bien bon pour nous aussi. Smooth. Damn smooth.
हमें की मिल रही है। डिसेबल करने का आइडिया आपको कितना अच्छा है। लूट तो लेता है यार, इतना परेशान किया इन लोगों ने, इनको लूटना तो बनता ही है। और इसको लूट सकता हूँ। Que vous voudrez, mais ne tirez pas. Et de rien, je vous en supplie. Tobacco, floor. Nice. अरे यार यहाँ पे एक और नहीं तो ग्लिच हो गया है मेरे मिनी मैप पे, एक और शेड दिखा रहा है यहाँ पे। फॉक्स तो मैंने हंट कर लिए थे न्यूयॉर्क में भी थे फॉक्स, ग्रे वुल भी मैं काफी हंट कर चुका हूँ। मुझे यहाँ पे चेस्ट पड़ी है, लेकिन प्रॉस्पेरिटी भी है जो पे लेके चलते हैं। कहाँ पर है? अरे ऊपर है। भाग सीधा भागते हैं, काम करते हैं। अब मैं आ गया तो मैं चेस्ट ही छोड़ना चाहता है। एनिमल फ्रैगमेंट तो छोड़ ही देते हैं, कोई फाइटर तो नहीं है उस टाइप का। और एक बेस्ट चीज पता चली मेरे को, फॉक्स और जो एनिमल्स होते हैं छोटे ज्यादा बड़े नहीं, इनको हंट करने का रोप डार्ट यूज करने का। कोई रोप डार्ट से एक ही बार ही वो मर जाते हैं और वो यूज भी नहीं होता रोप डार्ट। मतलब यूजुअली अगर हम किसी इंसान को मारते हैं तो रोप डार्ट खर्च हो जाता है बेसिकली। हम एनिमल्स के साथ वो सीन नहीं है। मैं अभी दिखाता हूँ, कोई एनिमल मिल रहा है बस यहाँ पे। ये देखो, ये देखो, रोबोट यूज किया और कुछ हुआ भी नहीं। वुल्फ भी है यहाँ पे, घुरने की आवाज है मेरे को। ओ ये रहा, मैं वुल्फ को भी मार सकता हूँ। ये देखो, ये बेस्ट लगता है यार रोबोट हंटिंग में। रोबोट बेस्ट करता है। और भी है ये घुरने की आवाज आ रही है। तो ऐसे करके मैंने न्यूयॉर्क पे बहुत बहुत ज़्यादा हंटिंग करी। मेरे पास बहुत सारे फॉक्स के बॉल स्किन और पेंट, बेल्ट कहते हैं ना, पेंट है, और गोल्ड भी काफ़ी हो गए। चलो शिप पे चलते हैं। Guns before we approach that fort. Go to your cabins, we'll arrange the work. I
आओ मैं यहाँ से अपनी शिप अपग्रेड कर सकता हूँ, मेरे बार बार हार्बर मास्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। मेरे ये चीज भी बढ़िया है, तो गया को तो बेच ही दो। स्टोन मेटल और वुड, वुड की मेरे को ज्यादा जरूरत है, वुड ही मेरे को इतना नहीं मिल रहा। कैप्चर फोर्ट, अब आया ना वो कैप्चर फोर्ट का जो मैं एपिसोड 1 या 2 में बोल रहा था कि हमें फोर्ट कैप्चर करना पड़ेगा उस सी एरिया में अपना दबदबा बनाने के लिए बेसिकली, ताकि एनिमी की शिप वहां पे ज्यादा ना घूमे, उसमें ये होता है। वैसे मैं अपग्रेड करना चाहता हूं बट सामान मेरे पास रिसोर्सेज उतने हैं नहीं यार, मेरे को बहुत कम रिसोर्सेज है। फ्रंट कैनन्स को कर सकता हूं, रैम को भी अपग्रेड नहीं कर सकते, लकड़ी की कमी है, लकड़ी हमें बहुत सारी चाहिए। राउंड शॉट तो कर ही देता हूँ अपग्रेड, and the defenders will tremble before the Morrigan. Captain's helm! Your ship is in fine form, Master Cormac. That fort should offer little resistance. I rather hope the frogs offer some, else this will be a dull day. अब हम fort capture कर सकते हैं, ये अच्छी बात है। मैं offline खेल के ना जितने सारे fort में capture कर सकता हूँ कर लूँगा, कुछ ज़्यादा high difficulty के होंगे जिनको I think capture करना मुश्किल होगा, लेकिन जो थोड़े easy difficulty को होगा उनको मैं कैप्चर कर लूंगा। Indeed, that is a sensible strategy. But we will have to wear down the fort's defenses first. Otherwise, they will just dig in like a wounded bear. The icebreaker ram gives you the ability to charge at enemy ships for massive damage. Hold and then tap to charge. ओह शिट, वो अटैक कर रहा है, फोर्ट अटैक कर रहा है हम पे भाई। Begin by hitting her towers. As the colonel says. Fire! Oh shit, अटैक हो रहा है हम पे। Get off the squad. Let out some sail. कर लिया कैप्चर। मुश्किल इतना मुश्किल की नहीं था। Get me some speed.
Spread those sheets! Okay, तो हमें पोर्ट के कमांडर को हंट करना और मारना है. सेम पूरा सीन रखा है जैसे असासिन के ब्लैक फ्लैग में ये था. Were you on a special mission? Yes, from Achilles. Okay. How interesting. So am I. Don't make me do this, Lashassar. Do what? Assassinate me? I thought that was your specialty. We could both just leave. You have to kill me, Shay. यार ये काउंटर नहीं कर रहा. अरे यार वो सेलेक्ट करने के चक्कर में ना ये तो मेरे काउंटर के टाइम ही नहीं बैठती है. आपको पता नहीं कुछ टाइम पे काउंटर ही नहीं हो रहा. वो क्या ग्लिच है पता नहीं. बात क्योंकि अगर काउंटर होता नहीं है टाइम पे अटैक नहीं करता. किसी तरह का डीसिंक हो रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कंट्रोल से इसके बीच में. मुझे गन पहले ही सेलेक्ट करके रखनी चाहिए थी. ये देखो ये बोल रहा था मैं काउंटर नहीं करता. Don't make me do this, Lashassar. We could both just leave. But then I would tell your brothers that you are alive. You have to kill me. You are always good at your business, Shay. As were you. Tell me, what are you doing in land? Special weapons. Poisonous gases to use against colonial authorities. I am merely a delivery man. Then may your final delivery. मैंने पिस्टल ली थी ना इसलिए दो बुलेट से मर गया. नहीं तो ये भी 3-4-5 बुलेट लेता ये मरने के लिए. अच्छा वो मैंने
मिशंस के पहली मेन अच्छी पिस्टल ले ली थी एंटी की कोल्ड यूज के रूम का। अरे स्वॉर्ड मेरी स्लो है ना, उसकी स्पीड बहुत स्लो है इसलिए भी काउंटर नहीं कर पाया टाइम पे, आई थिंक ये हो सकता है। अब ये इतना जो एरिया है मैं इसमें फ्रीली घूम सकता हूँ, ये बहुत अच्छा है। The chasseur was right. I had no other choice. If the assassins find out I'm alive, they'll come after me. Yeah, assassins ko already pata nahi hai. Matlab last episode mein maine apni ship retrieve kari thi na Morgan ko. To aise to unko pata lag jana chahiye tha ki bhai main alive hu. Haan ye ho sakta hai unko pata nahi ho kisne unki ship chura li hai. And French been fighting. Good show, lad. Great, that's a comment. What do you be needing today, then? ओके हमारा मोर्टार खुल गया। दिस सेट ऑफ ब्लैक मोर्टार अलाउज द मॉरिगन टू डील लॉन्ग रेंज डैमेज। बोट के अगेंस्ट अच्छा है, मैं थोड़ी दूरी से डैमेज दे दूंगा अच्छा खासा। बढ़ाई देते हैं यार, मोर्टर बहुत बढ़िया वेपन हो सकता है। मोर्टर खरीद लेते हैं, हो गया। लोग भी खुश हो गए कि मैंने अपग्रेड कर लिया पीछे से। चलो यार आई थिंक इस एपिसोड बिट ऑफ बिजनेस, नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट मिशन करेंगे और मैं भी थोड़ा ऑफलाइन भी खेल लूं ताकि मैं रिसोर्सेस वगैरह इकट्ठा कर सकूं शिप अपग्रेड करने के लिए। तो आई थिंक अभी के लिए इतना ही गाइस, सी यू गाइस ऑन द नेक्स्ट एपिसोड।